हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, तो मैंने आप लोग के लिए शेयर कर रही हूँ कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अक्खे मसूर की दाल बनाने। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर ली हूँ और कुकर गर्म करने रख दी हूँ। और मैं इसमें 3 चम्मच तेल डाल देती हूँ। जब हमारा जब यहाँ पे तेल गरम कर लेंगे तो इसमें हमें 1 कड़ी पत्ता और थोड़ा सा ज़ीरा डालना है। जब ज़ीरा हमारा लाल हो जाए तो उसमें हमें कांदा नहीं डालना है, उसके बदले हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है। यानी कि ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच ही डालना है। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और उसे अच्छी तरह से मैं भूंज लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं भूंज रही हूँ। तो इसे हमें सिर्फ 2 मिनट तक ही धीमे आँच में भूनना है। जब भून जाए तो इसमें टमाटर और हरी मिर्ची काट के डाल देना है। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी मिर्ची डालना। मैं ज़्यादा डाली हूँ इसके लिए आप लोग से मैं बता रही हूँ। और उसमें नमक भी डाल देना, क्योंकि हमें अभी टमाटर थोड़ा गलाना है। और जब हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें हमें सूखे मसाले डालना है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें मुझे क्या क्या डालना है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी इसमें। मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर ले ली। ये छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं लेना है, बस छोटा ही चम्मच लेना है। और इसमें साथ ही साथ हमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला लेना है। तो वो भी आप लोग को बताती हूँ मैं कि बस 1 चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाल दी हूँ और उसे भी अच्छी तरह से मैं भूंज लेती हूँ। और हमें मसाले से तेल आए तक हमें अच्छी तरह भूनना है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो हमें इसमें दाल डाल के 2 मिनट तक भूनना है। तो ये मेरे अक्खे मसूर की दाल है, इसे मैंने आधा घंटा भिगा ली थी और इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर ली हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ और मसाले के साथ मैं अच्छी तरह से 2 मिनट तक भूंज लूँगी। जब तक मैं भूंजूंगी जब तक उसमें तेल ना आ जाए, क्योंकि जब तेल आ जाएगा तो समझ जाना कि हमारे दाल और मसाला अच्छी तरह से भूंज गया है। तो फिर हमें सिर्फ पानी डालना है और पकाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मसाला और दाल अच्छी तरह से भूंज गई है। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे 2 गिलास ही पानी डालना है। आपको जितना लगे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो मुझे तो बस 2 गिलास डालना था, क्योंकि मेरी जितनी दाल थी मैं उतनी डाली हूँ। तो बस अभी मुझे इसे ढक के 3 सीटी आए तक पका लेना है। और अगर नहीं गली तो आप 4 सीटी तक भी पका सकते हो। वैसे तो 3 सीटी में पक जाता है। और यहाँ मैं चावल बना रही हूँ, क्योंकि आज रोटी नहीं बनाना है मुझे, सिर्फ चावल बनाना है। तो मैं बस अभी 1 किलो चावल मंगा ली हूँ दुकान से और बस मैं यहाँ पे चावल बनाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ मेरे चावल तैयार हो जाएंगे और वहाँ मेरी दाल तैयार हो जाएगी, तो मेरा फटाफट काम भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी कि रोज़मर्रा के चावल, वही जो बारीक चावल हम लोग कनीदार खाते हैं, बस वही चावल है। और मैंने यहाँ पे 2 धा के चढ़ा दी हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी दाल पक गई है। अब इसे मुझे तड़का लगाना है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये तड़का मैं किस तरह लगाती हूँ, सॉरी ये दाल में मैं तड़का किस तरह लगाती हूँ। बाकी तो आप लोग को मैंने बता चुकी हूँ। अब मैं ये अक्खी मसूर की दाल का तड़का बताती हूँ। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन गर्म करने रख दी हूँ और इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल दूंगी। और जब तेल हमारा गरम हो जाए तो इसमें कांदे डालना है और कांदे को हल्का ब्राउन करना है। ब्राउन मीन्स लाल करना है, ज़्यादा उसको काला भी नहीं करना है, मतलब कलर आए तक अच्छा पकाना है। और इसमें साथ ही साथ सूखी लाल मिर्ची डालना है और कड़ी पत्ता भी डालना है। और हमने ज़ीरा पहले भी डाल चुके थे, भगाने का टाइम डाल रहे हैं, यानी कि थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस इसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। देखिए आप देख सकते हो हमारे कांदे कितने अच्छे पक गए, यानी हल्का ब्राउन हो गया है। तो बस मेरा ये तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसे दाल में डाल देती हूँ। तो आपको बताती हूँ कि मेरी दाल कैसी बनी है। आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे बताना। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे वो भी बताना। तो ये देखिए ये मेरी दाल तैयार है और बाजू में मेरे चावल भी पक गए। और आप लोग को मैं बताती हूँ अपने घर के सामने सड़क बताती हूँ, यानी कि दिवाली की रौनक बताती हूँ कि माशाल्लाह किस तरह रौनक है। और आपको उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को दिवाली की रौनक।
हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। माशाल्लाह भी मैं बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई हूँ और इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रही तो फिर मैं अच्छी रहूँगी। और अभी मैंने आप लोग को बताई हूँ अपनी रेसिपी कि आज मैंने क्या बनाई हूँ। तो आज मैंने अक्खे मसूर की दाल और चावल बनाई, सिंपल सी रेसिपी बनाई हूँ। मगर मैंने फिर से आप लोग के लिए मैंने शेयर करी हूँ कि आप लोग को मैं बता दूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बताने के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब थी इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह देखती हूँ, जैसा जैसा मुझे मौका मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो आप लोग के लिए अच्छे अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। और अभी मैं आप लोग को सबसे पहले बोलती हूँ, आप लोग को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो भी, उनके लिए भी बोल रही हूँ, और जो मेरे नए भी हैं उनके लिए भी बोल रही, सबको हैप्पी दिवाली। ये मेरा फ़र्ज़ था बोलना, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि आप लोग आपकी किधर है दिवाली जो आप बोल रहे हो। मेरे लिए तो मतलब सब बराबर है, इसके लिए मैं सबको कर रही हूँ। तो अभी फिर अब ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो चलिए फिर, आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी या मेरा जो भी है, जो भी क्या मतलब, मैंने कुछ बताई नहीं हूँ, बस आपको रेसिपी बताई हूँ। उस बात के लिए मैं आपसे बोल दी, जैसे मुझसे होगा मैं इंशाल्लाह अच्छा अच्छा बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए, तो मैं आप लोग को बताई। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि शुक्रिया करती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे इतना अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हो, आप दुआ दे रहे हो मेरे बारे में, और आप मेरे बारे में दुआ भी करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तहे दिल से खुश होती हूँ मैं। और आपको भी दुआ करती हूँ मैं। और बस अभी मैं इतना ही बोलूँगी और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। तो फिर चलिए, अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ आप लोग से। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।